रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेस मसूद और आप देख रहे हैं राजम साउथ फूड यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही यूनिक, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस सी जो है मैक्रोनी की रेसिपी। ये बिल्कुल डिफरेंट है जो हमने पहले बहुत सारी जो है मैक्रोनी की हमारी रेसिपीज मौजूद हैं प्लेलिस्ट में, आप मैक्रोनी रेसिपीज को सर्च करें, लेकिन ये उन सबसे मुख्तलिफ है, बहुत ही मज़ेदार है और बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगी। तो इसके लिए आप ये ज़रूरी है कि आप वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा और इसको स्किप मत कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलकर बनाते हैं ये डिलीशियस सी, मज़ेदार और खूबसूरत सी मैक्रोनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। सबसे पहले एक देचका हमने चूल्हे पे रख लिया है, अब उसमें पानी डालेंगे। फ्लेम हमने पहले से ऑन कर ली थी, अब इसमें एक चम्मच जो है वो नमक डालेंगे और दो चम्मच हम इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे। अब इसके बॉयल आने का इंतजार करेंगे। पानी को बॉयल आना शुरू हो गया तो अब इसमें मैक्रोनी डालेंगे, चम्मच चलाएंगे, हमेशा आप जो है वो उबलते हुए पानी में मैक्रोनी डालें और चम्मच चलाते हुए इसे 8 से 10 मिनट के लिए या 90% तक बॉयल होने तक आराम से पका लेंगे और वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। 15 मिनट तकरीबन हो चुके हैं हमारी मैक्रोनी को जो है वो उबलते हुए, तो बहुत अच्छी तरह ये बॉयल हो चुकी है। तो अभी थोड़ी सी फ्लेम बंद करेंगे, एक छलनी ले लेंगे और सारी मैक्रोनी को जो है हम छान लेंगे पहले। ऊपर से जो है वो ठंडा पानी गुजारेंगे ताकि इसका स्टार्च जो है वो अच्छी तरह निकल जाए। और ड्रेन होने के लिए जो है वो रख देंगे। कढ़ाई हमने चूल्हे पे रख लिया है, फ्लेम ऑन कर लिया है और कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है तो इसमें डालेंगे प्याज जो कि हमने बारीक चॉप किया हुआ है। प्याज को जो है सौते करेंगे बस। प्याज हमारा सोते हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, वो भी हमने बारीक चॉप किया हुआ है, पेस्ट वगैरह नहीं यूज़ किया। चॉप करके डालने से जो इसका फ्लेवर और टेस्ट आता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है पेस्ट से। एक मिनट के लिए जो है वो लहसुन को भी भून लेंगे, जब इसकी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। लहसुन जो है वो एक मिनट के लिए भून गया, बहुत प्यारी सी इसकी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब डालेंगे सूरत मिर्च पाउडर, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमारे मसाले बन चुके हैं तो यहाँ एक जो है हरी मिर्च चॉप की हुई ये वो डाल दी है। एक शिमला मिर्च हमने बारीक काटी है वो डाल देंगे। दो मिनट के लिए जो है शिमला मिर्च को सौते करेंगे। शिमला मिर्च हमारी सौते हो चुकी है, बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, तो अब डालेंगे एक अदद टमाटर। टमाटर को भी एक मिनट के लिए भून लेंगे सॉफ्ट होने तक। टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं तो यहाँ हम डालेंगे एक टेबल स्पून सोया सॉस, मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे
हाफ कप जो है वो केचप, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह जो है वो मिक्स हो गई हैं दोनों चीज़ें, दोनों सॉसेस। अब जो है वो इसमें हम डालेंगे ये जो हमने मैक्रोनी बॉयल करके रखी है, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार। वीडियो को जो है वो एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जो है वो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। एक मिनट के लिए पकाएंगे, दो मिनट हो गए हैं हमारे मैक्रोनी को जो है वो पकते हुए। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेंटर में होल बनाएंगे, और यहाँ हमारे पास हैं दो अंडे वो डालेंगे। इनको मिक्स करेंगे। थोड़ी देर के लिए चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल स्लो करके दम दे देंगे। दो मिनट हो गए दम को, खाते हैं अंडे पक चुके होंगे। इस बार हमारा मिक्स करेंगे, माशाल्लाह बहुत प्यारी लुक जो है वो हमारी एग मैक्रोनी की आई है। चूल्हे की फ्लेम बंद कर देंगे और फाइनल से डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, फाइनली जी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जो है वो डिलीशियस और मज़ेदार सी, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट सा टेस्ट इसमें आएगा, और बच्चों को तो स्पेशली बहुत पसंद आएगी जो खासतौर जो है वो अंडे पसंद करते हैं। उन्हें लंच बॉक्स में दें, खुद खाएं, ऊपर कोई भी सॉस आप जो बच्चे पसंद करते हैं स्पेशली जो है वो केचप डालें, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जो है वो टेस्टी होगी ये एग मैक्रोनी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जो है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।